स्वागत है आपका इस हिंदी कार्यशाला में। उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखेंगे आप यहाँ। और जब भी हम बात करते हैं हमें अपने हाथों का प्रयोग करना चाहिए, एक्शन एक्शन के साथ हमें बच्चों से बातें करना चाहिए और धीरे, ताकि हमारे मुंह के जो भाव है वो पकड़ पाए। इस हमारे टीचर हमारे अध्यापक इस तरह उस सबका उच्चारण कर रहे हैं। हम क्या करते हैं बहुत बार जल्दबाजी में बिल्कुल जुड़ जाता है, अच्छा आपस में जुड़ जाते हैं जो कि एक अलग ही विचार बना देता है और एक अलग ही मतलब बना देता है। तो जितना भी हो सके हम बच्चों से अनुरोध करें कि बेटा मिलते वक्त थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में दूरी होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा परिचय बस एक मिनट का हो या 15 सेकंड का बताइए अपने बारे में, क्योंकि आपके बारे में हम बहुत कम जानते हैं तो हम चाहते हैं कि आपके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। सर के लिए ताली हो जाए प्लीज। आपको पता है थोड़ा सा
इस बिंदी का भी बहुत ही ध्यान रखना है आपको, जैसे हम ये वाला शब्द है। अब जस्ट सर या मैम आपने से बताया कि ये बिंदी को हम कहाँ लगाएंगे, मतलब उसके नीचे लगाएंगे इधर या यहाँ लगाएंगे? तो नहीं लगाएंगे तो बाजार। तो ये भी थोड़ा सा देखेंगे बच्चों को, इस हफ्ते में एक बार 4-5 लाइन का हैंडराइटिंग टेस्ट, एक बार मतलब 10 मिनट 5 मिनट निकाल के आपके पास। और अभी हम चाहेंगे कि मैम आपने जो भी सीखा कि आपके लिए ये जो घंटे का जो वक्त है ये क्या हमने आपको बर्बाद किया या कुछ काम आया, ये आप थोड़ा सा बताएंगे। पूरा काम छोड़कर आए हमारे लिए सर। हाँ आप दोनों को धन्यवाद है। आप कहा है ऐसे पढ़ना, ऐसे उच्चारण करना, ऐसे अभिनय करना, बच्चों से पाठ पढ़ा के समय कैसे हम उसके साथ कैसे रखना चाहते हैं, ये सभी मुझे मालूम है आपसे मैंने भी सीखा। तो आपने जो भी फील किया, जो अनुभव किया इस आपको बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहिए, बच्चों से कैसा मिलनसार कैसा रहना चाहिए और सुनना कैसा है, अच्छा बोलना कैसा है, पढ़ना कैसा है, लिखना कैसा है, बच्चा जो अच्छा सुनता है वो बोल सकता है। जी हाँ, बच्चा सुनता बोल सकता है, जो जो लिखा है वो पढ़ सकता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।